ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत की अपनी यूनिट से करीब 60 लोगों को निकाल दिया है। आने वाले समय में कंपनी और छटनी कर सकती है। अमेरिका में अमेजॉन के शेयर में भारी गिरावट के समय ये कदम उठाया गया है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर का असर अमेरिका के शेयर बाजार पर देखा गया, जिसकी वजह से अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में करीब 2% और नैसडेक में करीब 3% की गिरावट देखी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल ट्रंप ने शेयर बाजार में तेजी की बढ़त की भूमिका निभाई थी और अब बाजार में आई गिरावट का कारण भी उन्हें ही माना जा रहा है। ट्रंप के बार बार अमेजॉन के खिलाफ आ रहे ट्वीट से अमेजॉन के शेयर दाम गिरना शुरू हो गए। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी पर ट्वीट कर आरोप लगाया है कि अमेजॉन अमेरिकी डाक सेवा का फायदा उठा रहा है और टैक्स का अपना उचित हिस्सा नहीं चुका रहा है। ट्रंप के ट्वीट के मुताबिक इससे अमेरिका में टैक्स देने वाले खुदरा व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने स्टोर्स बंद कर रहे हैं। ट्रंप के द्वारा बार बार किए जा रहे ट्वीट का असर बाजार के गिरने के साथ साथ ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के शेयर पर भी देखा गया, जिसे एक दिन में amazon.com के शेयर में करीब 5.21% की गिरावट आई। साथ ही करीब $3,600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा और अमेजॉन के शेयर दामों में कंपनी के उच्चतम स्तर से करीब 14% की कमी देखी गई है। दरअसल ट्रंप अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बेजोस अमेरिकी न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट के भी मालिक है, जिसके प्रशासन और ट्रेड वॉर के खिलाफ की गई आक्रामक कवरेज ने राष्ट्रपति का गुस्सा बढ़ा दिया है। इसलिए वॉल स्ट्रीट चाहता है कि ट्रंप ना तो ट्रेड वॉर शुरू करे और ना ही अमेजॉन को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इस सब का असर भारत में भी देखा गया और खबरों के मुताबिक अमेजॉन ने पिछले हफ्ते अपनी भारतीय यूनिट अमेजॉन इंडिया से करीब 60 कर्मचारियों को हटा दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी में से और भी लोगों को निकाला जा सकता है। इसके साथ ही अमेजॉन ने करीब 25% कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में डाला है। अमेजॉन बाकी देशों में फैले कारोबार की समीक्षा कर रहा है। इसी ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत कंपनी ने भारत में भी छटनी शुरू की है। अमेजॉन इंडिया में 1,000 से 5,000 के बीच लोग काम करते हैं। पिछले साल अमेजॉन प्राइम के लॉन्च के बाद इससे ज़्यादा लोग जुड़े थे, लेकिन लॉन्च के बाद कंपनियों में कंपटीशन की वजह से सभी भारी डिस्काउंट्स दे रहे हैं और घाटा उठा रहे हैं। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।